बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी और उद्धव गुट के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। मसलन दोनों राजनीतिक दलों के नेता मुंबई से जुड़े कई मुद्दों को लेकर आक्रामक रूप दिखा रहे हैं। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में स्थित रेस कोर्स के स्थान को बदलने को लेकर आदित्य ठाकरे और भाजपा नेता आशीष शेलार के बीच जुबानी जंग शुरू छिड़ गई है। लिहाजा आदित्य ठाकरे ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार रेस कोर्स को व्यवसायिक हितों के लिए बेचने और शहर का मुद्दीकरण करने का प्रयास कर रही है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बिल्डर लॉबी की मदद करने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुंबई शहर के कल्याण और लोगों की कोई परवाह नहीं है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम मुंबई कर हर किसी के लिए एक शहरी पार्क चाहते हैं, न कि एक ठोस व्यवसायिक जंगल। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने सुना है कि मुंबई के टैक्स पेयर के पैसों पर व्यवसायिक हित भी शामिल है। लीज आपल्या वेळी संपलेला आपल्याला आठवत असेल 2013 पहिली ही भूमिका मांडली। ह्याच्यात दोन तीन गोष्टी आहेत। एक तर तिकडचं जे रेसकोर्स आहे ते हलवणार कुठे? माझ्या कानावर ऐकू येते की मुलुंडच्या आसपास कुठेतरी बिल्डरांचीच जागा आहे, प्रायव्हेट जागा आहे, तिथे हलवण्याचा प्रयत्न आहे। तो आम्ही आमच्या वेळी होऊ दिला नाही, आता पण होऊ देणार नाही। जागा ही शासकीयच असायला पाहिजे। कोणा कुठच्याही इंडिव्हिज्युअलचा, कुठच्याही प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअलचा किंवा बिल्डरचा फायदा न होता जर ही जमीन मुंबईला मिळणार असेल त्याच्यावर आम्ही काम पुढे नेऊ। आणि म्हणूनच आमच्या वेळी घाईघाई न करता थोडा अभ्यास करून आम्ही ते पुढे नेतो। आदित्य ठाकरे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया आहे। बीजेपी नेता शेलार ने आदित्य ठाकरे और एमवीए गठबंधन पर आरोप लगाया, कहा कि उन्होंने पिछले 25 तक बीएमसी में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। शेलार ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे सरकार और बीएमसी में 2013 में लीज समाप्त होने के बाद भी रेसकोर्स के पट्टे को लंबित रखा था। उन्होंने कहा कि बीएमसी को निजी गुल्लक की तरह इस्तेमाल करने के बाद युवा नेता अब ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बांद्रा से लिंक प्रोमिनेंट ओपन स्पेस को हड़पने की कोशिश लंडन आई के साथ ही फैंसी प्रोजेक्ट के बाद युवा नेता खुली जगह की बात कर रहे हैं। आशीष शेलार ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार मुंबई करों के हित में निर्णय लेगी और किसी भी निजी ठेकेदार का फेवर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने मांग की है कि रेसकोर्स में एक कार्बन न्यूट्रल इंटरनेशनल लेवल की खुली जगह विकसित की जाए ताकि हरियाली और सौंदर्य बना रहे। इसमें मुंबई करों से परामर्श लिया जाएगा। साथ ही कहा कि अगर बीएमसी ठेकेदार लॉबी के दबाव में प्रभावित होती है तो हम इसका विरोध करेंगे। याचं वर्णन जर कमी शब्दात करायचं झालं, मागून घोडे आणि घोडे बाजार आणि घोडा शर्यतीनंतर आदित्यजी शिवसेना असं वराती मागून घोडे असा प्रकार आहे। 2013 लीज संपली, महापालिकेत सत्तेत कोण होतात? आदित्यजी तुम्ही। 2019 पासून 2022 पर्यंत राज्य सरकारची जमीन असेल तर सरकारमध्ये कोण होतात? आदित्यजी तुम्ही। मग महापालिकेत 25 तुम्हाला पार करता आलं नाही, 2.5 सत्तेमध्ये राज्याच्या असून मुहूर्तमेढ करता आली नाही, आणि त्यामुळे वराती मागून घोडे हे घोडा रेसच्या मैदानाच्या बाबतीत शिवसेना उद्धवजींची त्याची प्रतिक्रिया आहे। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका स्पष्ट आहे। महालक्ष्मीच्या रेसकोर्सवर मुंबईकरांचा अधिकार आहे, तो उद्धवजींच्या शिवसेनेचा नाही आणि आदित्यच्या पेंग्विन सेनेचा तर बिलकुल नाही, आणि मुंबईकरांचा त्यावर अधिकार आहे। त्या ठिकाणी कार्बन न्यूट्रल आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाला शोभेल असं ॲस्थेटिक सुद्धा आणि अशा पद्धतीची सजावट असलेलं गार्डन तिकडे झालं पाहिजे, ते व्हावंच लागेल आणि ती घेण्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे, त्याचं अभिनंदन आम्ही करतो आहे। रेसकोर्स इकडून कुठे शिफ्ट करायचा महापालिकेने प्रस्ताव द्यावा, पण तो प्रस्ताव दिल्यावर आम्ही आमची प्रतिक्रिया देऊ। पण त्यातही प्रस्ताव जर उद्धवजींच्या शिवसेनेसारखा मेट्रोच्या काळामध्ये कांजूर मार्गच्या जागेवर कारशेड, म्हणजे खाजगी मालकाच्या जागेवर कारशेड, असं खाजगी मालकाच्या जागेवर जर रेसकोर्स प्रस्तावित केलं आणि खाजगी मालकाचा फायदा करून देणार असतील तर त्याही वेळेला उद्धवजींच्या शिवसेनेचा आम्ही कांजूर मार्गला विरोध केला होता। आताही महापालिकेला खाजगी बिल्डरांसाठी मदत केली तर विरोध करू।